ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को ये जो हमारे 12 भाव हैं, ये किस तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार चार सेक्टर में डिवाइड होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी पहली राशि मेष है, वृष, मिथुन और कर्क, ये चार राशियां जो हैं, जो पहली राशि है ये धर्म त्रिकोण है, फिर ये अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो जो मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि ये चार चार राशियों का एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप इसी आधार पे बनता है। पहली राशि जो होगी धर्म, यहाँ पे जो राशि है वो धर्म त्रिकोण की राशि है, फिर अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। उसके बाद फिर जो दूसरा हमारा चार राशियों का एक ग्रुप बनता है, तो इसमें भी जो हमारा पहला जो यहाँ पे पांचवें नंबर की राशि आएगी सिंह, ये हमारा धर्म त्रिकोण हुआ, ये अर्थ, ये काम और ये मोक्ष। इसी तरीके से जो बचे हुए चार राशियों का धनु से लेकर के मीन तक, पाइसिस तक है, तो इनमें भी ये जो त्रिकोण है हमारा नौवां, ये धर्म त्रिकोण है, दसवां अर्थ त्रिकोण है, ग्यारहवां काम त्रिकोण है और बारहवां मोक्ष त्रिकोण है। तो आप ये चीज समझ गए कि 1, 5 और 9 ये हमारे धर्म त्रिकोण है, इसीलिए इनका एक ट्रायंगल बनता है, ये एक इनका त्रिकोण बनता है, आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, इसीलिए 1, 5 और 9 जो है ये हमारा धर्म त्रिकोण हुआ। और फिर दूसरा जो है वृषभ राशि, छठा जो है कन्या वर्गो, और ये दसवीं राशि जो हमारी है मकर, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण का मतलब हुआ ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं, अर्धी साइन जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो धर्म त्रिकोण जो है वो हमारी फायरी साइन है, और वहां का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो अग्नि है, फायर है। धर्म जो है पहले 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण है, और ये फायरी, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का जो तत्व है वो अग्नि प्रधान है। इसी तरीके से जो 2, 6 और 10 है ये हमारा अर्थ त्रिकोण है, और ये जो है पृथ्वी तत्व राशि है, और ये इनका एक त्रिभुज बनता है, आपस में इनकी एक अलग बॉन्डिंग होती है। फिर इसी तरीके से जो हमारा तीसरी राशि है मिथुन, सातवीं तुला और ग्यारहवीं कुंभ, ये काम त्रिकोण बोले जाते हैं। काम त्रिकोण मीन्स कि जैसे ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव होते हैं, 3, 7 और 11। तो ये यहाँ पे जो राशियां हैं ये वायु तत्व राशियां होती हैं। और इसी तरीके से जो हमारा चौथा भाव है, चौथी राशि जो यहाँ पे आ रही है, चौथा भाव, ये हमारा मोक्ष त्रिकोण है। तो 4, 8 और 12 ये हमारा मोक्ष त्रिकोण है, और यहाँ का जो तत्व है वो जल है, जल तत्व। तो इस तरीके से आपने देखा कि 12 राशियों को किस तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार आधारों पे कैसे इनको डिवाइड किया गया है, और ये 12 के 12 जो राशियां होती हैं ये आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पे, और ये तत्वों के आधार पे भी। तो ये बहुत जरूरी है समझना, इसीलिए जो भी ग्रह पहले भाव में, पांचवें भाव में और नौवें भाव में बैठे होते हैं, वो आपस में उनका एक बहुत मजबूती वाला रिश्ता होता है, वे दूसरे के ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये एक त्रिकोण के अंदर सेट होते हैं। इसी तरीके से 2, 6 और 10 में जो ग्रह बैठे होते हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और 3, 7 और 11 में जो ग्रह बैठेंगे वो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, क्योंकि वो अलग त्रिकोण बना रहे हैं। और इसी तरीके से मोक्ष त्रिकोण में जो ग्रह बैठे उनके आपस में बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। और इसके पहले आपने समझा था कि जो ये हमारे ग्रह बैठते हैं, तो चूंकि इनकी विशेषता, इनकी जो क्वालिटीज है इन राशियों की, वो एक हो जाती है ना। तो एक होने के कारण जो वहां पे नक्षत्र भी बैठे हुए थे, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि किस तरीके से जो नक्षत्र बैठते हैं 1, 5 और 9 में, उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं उनका आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, और उसी तरीके से 2, 6 और 10 में जो नक्षत्र राज बैठे हुए हैं वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, इसी तरीके से इसमें 3 में
और सात में 11 में जो बैठे हैं, 4, 8 और 12 में, तो ये आपको समझने के लिए है धर्मार्थ का और मोक्ष, ये चारों त्रिकोण क्या है और इनका ज्योतिष में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आज आप लोगों ने इसके बारे में समझा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्ते, ओम नमः शिवाय।